हेलो गाइस, वेलकम टू डीजी मंडी न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे डिज्नी एक्सपो के डे टू के बारे में। आज है 25 तारीख, संडे का दिन है और आज के दिन हमारे पास क्या क्या अपडेट आए, तो सारे अपडेट के बारे में बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लैक विडो से रिलेटेड। तो फाइनली अपकमिंग ब्लैक विडो मूवी जो कि 2020 में रिलीज होने वाली है, उसमें ऑफिशियली हमें व्हाइट सूट देखने को मिलेगा। फैंस को उम्मीद भी नहीं थी, कल डिज्नी एक्सपो में ऑफिशियली व्हाइट सूट रिवील्ड भी कर दिया जो कि हमें मूवी में देखने को मिलेगा। तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस सूट के लिए। उसी के साथ दी इंटरनल्स की ऑफिशियली कास्ट, उनका लोगो, उनकी कॉस्ट्यूम कैसे दिखेंगे, सब कुछ लॉन्च करा गया है। तो अगर आपको ये इमेज देख रही है तो मेरे ट्विटर अकाउंट पे और टेलीग्राम पे डली हुई है। देन उसी के साथ डिज्नी ने फाइनली अवतार का ऑफिशियली लोगो फुटेज लॉन्च करी गई और कॉन्सेप्ट आर्ट लॉन्च करे गए, टॉयज लॉन्च करे गए। और मैं तो यही कहना चाहूँगा, जब ये मूवी रिलीज होगी ना तो देख लेना, धमाका होने वाला है। एवेंजर एंड गेम की तो अलग बात थी, पर इसकी भी कुछ अलग बात है। तो डिज्नी तो उसका फुल प्रमोशन कर रहा है डिज्नी एक्सपो में। उसी के साथ मार्वल फैंस के लिए खुशखबरी है, मार्वल स्टूडियो की ब्लैक पैंथर 2 कंफर्म हो चुकी है जो कि रिलीज होगी 6 मई 2022 को। इसके ऑफिशियली राइटर और डायरेक्टर भी कंफर्म हो चुके हैं जो कि रिटर्न हो रहे हैं, और रायन इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे जिन्होंने पहला पार्ट भी डायरेक्ट करा था। तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ ब्लैक पैंथर 2 के लिए, सबसे ज़्यादा नेमोर के लिए अगर इसमें हुआ तो। उसके बाद जो मैंने आपको डे 1 में जो कास्ट बताई थी वांडा विजन की, वो कंफर्म हो चुकी है, वो डिज्नी एक्सपो में आई थी। उन्होंने अपना एक एक करके सारे कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन भी दिया, ये रही उनकी ऑफिशियली इमेज। उसी के साथ स्टार वॉर्स था फाइनली ऑफिशियली पोस्टर लॉन्च कर दिया गया है जो कि काफ़ी दमदार लग रहा है। इसकी फुटेज भी दिखाई गई थी डिज्नी एक्सपो में, तो ऑफिशियली भी कोई लॉन्च नहीं करी है यूट्यूब पर। उसी के साथ आप सभी जानते हो कि सुसाइड स्क्वाड मूवी में स्टीव को वॉइस कास्ट के लिए लिया गया है, और देन स्टार ये एक CGI कैरेक्टर होगा तो इसलिए इसमें वॉइस दी जा रही है। हैरिंगटन जो कि गेम ऑफ थ्रोन्स में काम करते थे, उन्हें ब्लैक नाइट का रोल प्ले करने को मिला है, जी हाँ, दी इंटरनल्स में, मज़ा आने वाला है। उसी के साथ स्पाइडरमैन 3 में जो राइटर थे हमारे होम कमिंग और फार फ्रॉम होम के, वो रिटर्न हो रहे हैं इस मूवी के लिए। और टॉम हॉलैंड ने तो ये भी बोला है कि आप भले ये मूवी सोनी बना रहा है पर टेंशन मत लो, ये मूवी अमेजिंग होगी। उसी के साथ वेयरवुल्फ कंफर्म हो चुका है मून नाइट में, जो टीवी सीरीज आ रही है डिज्नी की अपकमिंग। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। और आप सोच रहे होंगे इतने कम अपडेट कैसे, एक्चुअल में अपडेट तो बहुत सारे आए थे जो कि कार्टून से रिलेटेड थे। अगर आपको इंटरेस्ट है लाइव एक्शन मूवी और कार्टून्स में, तो आप मेरे सेकंड चैनल पे वो वीडियो देख सकते हो जिसका नाम है एजी मीडिया ट्यून्स, वो आपको वीडियो आई बटन पे मिल जाएगी। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देखो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख लो पेज को लाइक करें। रियली में आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखो या दोस्त पे थैनोस उसके हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूँ।